मध्य प्रदेश में थाना बाग पुलिस एवं क्राइम ब्रांच धार को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए टीम के सदस्यों ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पूछताछ के दौरान पुलिस ने लूट, चोरी व नकबजनी की 13 वारदातों का भी खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी बाग कमलेश सिंगार को मुखबिर से सूचना मिली कि पूर्व में लूट व डकैती में फरार बदमाश सुमर सिंह निवासी देवधा इन दिनों अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर कस्बा बाग डेयरी व कुक्षी क्षेत्र में लूटपाट, चोरी व नकबजनी की वारदात कर रहा है। यदि उसे पकड़कर पूछताछ की जाए तो धार जिले की कई चोरी, नकबजनी व लूट की वारदातों का खुलासा हो सकता है। मुखबिर की सूचना महत्वपूर्ण होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया। एसडीओपी कुक्षी मनोहर बरिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी कमलेश सिंगार एवं क्राइम ब्रांच धार प्रभारी संतोष पांडे को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। थाना बाग एवं क्राइम ब्रांच धार द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए सुमर सिंह निवासी देवत को टीम द्वारा पकड़कर पूछताछ की गई। इस दौरान उसने बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर घूमते फिरते रेकी कर बाग डेहरी सेंदला व बांकी में चोरी व लूट की वारदात की है। आरोपी ने अपने 16 साथियों के नाम बताए हैं। आरोपी सुमेर सिंह द्वारा बताए गए आरोपियों की धरपकड़ में थाना बाग एवं क्राइम ब्रांच द्वारा कुशल पूर्वक कार्यवाही हेतु 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई है। आरोपियों ने मकड़मानी, भामोरी, बाग एवं अन्य कई वारदातों को करना कबूला है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 सोने की चैन, 4 मंगलसूत्र, 1 हार, 2 कानों के टोपस, बाली अंगूठी, 15 मोबाइल, 1 पिस्टल, 1 एलईडी व अन्य सामग्री कुल कीमत 4,50,000 रुपए की जब्त की गई है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिनसे कई और भी बड़ी घटनाएं, लूट, चोरी, नकबजनी जैसी घटनाओं का खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। आज धार पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच धार और थाना बाग की टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की, जिसमें कई मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें 9 बड़े नकबजनी के मामले हैं और 4 लूट का खुलासा हुआ है। उनमें से 2 बड़ी नकबजनी रही और 4 जो लूट थी उसमें बंधन बैंक के मैनेजर से लूट और पति पत्नी से लूट और अन्य जितने भी गंभीर मामले थे उनका पुलिस द्वारा आज खुलासा किया गया। इस पूरे उसमें 16 लोगों के गैंग को आइडेंटिफाई किया गया है जो चोरी, नकबजनी और लूट करते हैं और उनमें से 9 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सर, इनसे क्या क्या जब्त किया गया? इनसे अभी सोना चांदी के आभूषण, जिसमें करीब 100 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी, 15 मोबाइल, 1 एलईडी टीवी, 1 पिस्टल और अन्य सामग्री बरामद की गई है और कुल मशरूका 4,50,000 रुपये का। सर, इनने कुछ बताया कि लूट क्यों करते? देखिए, इनका जो ग्रुप था जिसमें बंधन बैंक वाली लूट थी, उसमें ये लोग शराब पीने के बाद इन्होंने रैंडमली बंधन बैंक का जो मैनेजर है उसको सिलेक्ट किया और उसको गोली चला दी और ये अन्य अपने शौक पूरे करने के लिए जो है चोरी और लूट करते थे। नकबजनी में ये सीडी का इस्तेमाल करते थे और गैस कटर और अन्य भी टूल्स का इस्तेमाल करते थे। सर, बीती रात एक लूट की वारदात हुई है जिसमें बताया जा रहा मंत्री के सचिव हुए। हाँ, एक लूट हुई है तिरला में और उसमें पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें कुछ गैंग आइडेंटिफाइड है, उस पर पुलिस वर्क कर रही है, उसमें जल्दी ही पकड़ के खुलासा किया जाएगा। कितने आरोपी हो सकते हैं? अभी इसमें संभवतः 3-4 लोग बताए गए हैं, परंतु अभी क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में है तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे का। सर, कितने की लूट हुई? उसमें करीब 1,62,000 रुपये का मशरूम कर गया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।